आप जानते हो पालिका वधू सीजन जो स्टार्ट हो गया, उसी के साथ पहले ही दिन से काफी कुछ इंटरेस्टिंग हमें सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ 19 अगस्त का एपिसोड होने वाला है खास अंकॉस, थोड़ा दुख भरा और थोड़ा परेशानियों से भरा। चलिए जानते हैं मेरे साथ, मैं हूँ दीक्षा जैन आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ हूँ सिर्फ स्पीक से। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेम जी की जो माँ है वो बीमार पड़ जाती है, और जैसी प्रेम जी को खबर पड़ती है वो भागते हैं अपनी माँ के पास और बहू को, अपनी नानंदी बहू को लेके चलते हैं अपनी माँ के पास। और वहां पे जब सब पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनकी माँ नीचे पड़ी है। तभी दीपिका कहती है कि वो मरी नहीं है, मैंने उन्हें बस नीचे लिटा रखा है। तभी प्रेम जी उन्हें उठाते हैं और रखते हैं अपने बेड पे। दोस्तों वहां पे सभी लोग ये कहने लग जाते हैं उसकी बहन की, ये आनंदी कैसी है, इसके पैर पड़ते ही यहाँ पे देखो कितनी परेशानी होने लगी, मेरी माँ बीमार पड़ रही है सिर्फ इस आनंदी की वजह से, ले जाओ इसको यहाँ से। दोस्तों प्रेम जी को वहां पे गुस्सा आ जाता है, और जैसे ही वो यहाँ पे बातचीत हो रही होती है पीछे से माँ की आंख खुल जाती है। और वो जब आंख खुल जाती है तो वो कहते हैं प्रेम जी देखो मैं तुम्हारे पोती की आज बहू भी लाऊं, आंखें खोलो माँ, तुम देखो आप तुम्हारे सारे बेटे हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास। दोस्तों जैसे ही वो आनंदी को देखती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक प्यारी हंसी देख के, आनंदी की प्यारी सी मुस्कुराहट देख के सभी कुछ वो अपनी बीमारियों को भूल जाती है, हो जाती है स्वस्थ। वही दोस्तों जैसे ही सब लोग कमरे से बाहर आते हैं, प्रेम जी के बाबा उनसे कहते हैं कि मेरे पास दोबारा आ जाओ रहने, यहाँ पे रह लो। पर प्रेम जी कहते हैं मैं इस दीपिका की वजह से नहीं रहना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि दीपिका तो अपने काम में ही व्यस्त रहती है, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारे माँ बाबा बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत है, इस बुढ़ापे में अपना सहारा देके हमारी जिंदगी सफल कर दो। दोस्तों सभी सज्जो दहेज के साथ आखिरी में प्रेम जी निर्णय नहीं लेता है कि वो सारा अपना गांव छोड़ के आप अपने माँ बाबा के पास जाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे और यहीं से अपना आगे कामकाज करेंगे। दोस्तों आनंदी की तो शादी हो गई है जिगर से, पर दोस्तों आगे बहुत कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन है जिसने पुलिस को खबर दी इस चाइल्ड मैरिज को लेके। और जैसे ही वो उनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि उनको खबर हमने नहीं दी, उन्हें पहले से किसी ने बता रखा था, हम गए थे खबर देने पर वो पहले से उन्हें वो बिल्कुल जानकार थे कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े। दोस्तों बहुत कुछ हमें बालिका वधू सीजन 2 में बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोड देखने को मिलने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए फॉर डेली लेटेस्ट अपडेट्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।